जो अब हमें पढ़ना है लास्ट में तब लिखवा देते हैं, तब नया चैप्टर समय मिलता है बहुत तेजी से आपका निकाला जाए। जो अब आपका जो निर्वाचन आयोग में जो बातें अच्छी आगे आ जाएगा, हाँ तो पीछे ना बताए निर्वाचन आयोग में जो आपको अब पढ़ना है वो ये पढ़ना है आपका कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, और एक जो बनता है वह आपका समय के बारे में बनता है, फिर आपका बनता है कि कौन प्रत्याशी का आपका कह सकते हैं कि कब जमानत जब्त होती है, तो इसके लिए आपका आवश्यक है कि कुछ बातें जानी जाए। देखिए भाई कह करके, जो चुनाव की अधिघोषणा होती है या नोटिफिकेशन होता है ये कौन जारी करता है, इसको लिख लीजिए, अनुच्छेद में नहीं है, अनुच्छेद से बाहर बताया जा रहा है। देखिए चुनाव की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन कहा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है इसमें भी। चुनाव की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। तत्पश्चात भारत का निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है। तत्पश्चात भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है। अभी जब तिथि की घोषणा हो गई तो अगला क्वेश्चन बनता है कि फार्म भरने के लिए कितना दिन दिया जाता है, पर्चा वापसी के लिए कितना दिन इत्यादि बातें। तो लिखिए फार्म भरने के लिए 8 दिन दिया जाता है, नहीं ये 8 दिन फार्म भरने के लिए याद करना है। तत्पश्चात पर्चा वापसी के लिए 2 दिन, फार्म भरने के लिए 8 दिन हो गया निर्वाचन आयोग देता है, पर्चा विड्रा कर लीजिए इसके लिए कितना दिन, लिखिए पर्चा वापसी के लिए 2 दिन, 2 दिन का समय मिलता है, तथा चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन, सबसे अधिक प्रचार में लगता है समय, कम से कम कितना दिन मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन निर्धारित है पहले से भाई, चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि चुनाव प्रचार कब समाप्त होता है, तो आपका चुनाव प्रचार कब समाप्त हो जाता है, तो चुनाव के समापन के 48 घंटे पूर्व, लिखिए चुनाव के समापन के चुनाव के समापन के 48 घंटे पूर्व 48 अभी हम बताएंगे 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। इसमें देखिए आपका जो समझना है, जैसे कि मान लीजिए कि 30 तारीख को चुनाव है, तो चुनाव कब संपन्न होगा, तो ये माना जाता है कि 30 तारीख को शाम को 5 बजे,
तो जो ये 5 बजे 30 तारीख को समय है लाखपाल जहाँ जिस दिन मैंने जब आपका चुनाव क्या हो गया संपन्न उसके 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ भाई जो शाम को 5 बजे समय दिया इधर बैठे भाई इधर आकर बैठे जो शाम को समय दिया गया है 5 बजे चुनाव खत्म होगा उसके 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार क्या हो जाता है समाप्त। अब आपका डोर टू डोर जाकर मौके कहिए मिलिए लेकिन आपका ये लाउड स्पीकर और भाषण बाजी और ये सब नहीं चलेगा। ये पूछ सकता है भाई इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि कब चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। तो कोई आपका कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी मर जाए चुनाव के पहले कि कोई राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी ये क्वेश्चन एक बनता है। तो अगर कोई राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है चुनाव के पूर्व ही तो ऐसी दशा में उस स्थान का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। अब एक बार आईएएस में ये क्वेश्चन बना है कि जब मृत्यु हो गई तो कितना समय दिया जाता है या आप नए प्रत्याशी का नाम बताइए यानी कि नया प्रत्याशी आपके दल का क्या करे पर्चा दाखिल करे तो वह आपका 7 दिन का समय है। लिखिए भाई यदि किसी राष्ट्रीय दल भाई लोकल नहीं है निर्दलीय नहीं राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी में बता रहा हूँ यदि किसी राष्ट्रीय दल की प्रत्याशी की राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी की चुनाव पूर्व मृत्यु हो जाए मैंने पर्चा दाखिल कर चुका था चुनाव पूर्व मृत्यु हो जाए तब उस स्थान का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है तब उस स्थान का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है और वह राष्ट्रीय पार्टी टाइम याद रखिए वह राष्ट्रीय पार्टी 7 दिन के अंदर नए प्रत्याशी को घोषित करती है। समय याद रखिए भाई कितने दिन के अंदर आपका 7 दिन के अंदर। इसके बाद आपका निर्वाचन आयोग का तमाम कार्य है वो पढ़ना लिखना नहीं है आपको ऐसे ही समझा दिया जाए। ये आपका निर्वाचन आयोग का कार्य है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या कराए चुनाव कराए चुनाव कराने के बाद मतगणना कराए मतगणना कराने के बाद प्रत्याशी को विजयी घोषित करे और विजयी घोषित करने के बाद क्या दे दे सर्टिफिकेट। यही बिहार में थोड़ा लेट हो रहा था लोग विजयी हो गए थे लेकिन सर्टिफिकेट देने में 4-5 घंटा लगा दिया गया तो हमारे तेजस्वी यादव जी ने ये कहा कि सरकार डीएम और अधिकारियों पर प्रेशर बना रही है कि कुछ मतों को अवैध घोषित करके जहाँ 100-200 से अंतर है दूसरे प्रत्याशी को क्या दे दिया जाए प्रमाण। अब हो सकता है दिया गया हो ना दिया गया लेकिन ये आरोप बहुत तेजी से लगे और लोग खूब दौड़े आपका रामपद के पास दौड़े निर्वाचन आयोग के पास दौड़े कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब न्यायालय में दौड़ना हो तो क्या करिए दौड़िए हाईकोर्ट में 226 के तहत कोई रोक टोक नहीं लेकिन कहीं कोई सुना नहीं और निर्वाचन आयोग ने किसी भी स्थान पर पुनः मतदान का आदेश माने पुनः मतगणना का आदेश नहीं दिया। हाँ निर्वाचन आयोग ये भी करता है कि अगर धांधली पाई जाती है तो उस स्थान का चुनाव रद्द कर सकता है पुनः चुनाव करा सकता है ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग पार्टियों को मान्यता देता है यानी कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इत्यादि कार्य किसका होता है परिसीमन भी करता है तो
उतना नहीं जानना है आपका। देखिए आपका सामान बातें लिखवाई गई थी, अब अनुच्छेद 22 बची है तो जो कंपटीशन में आ सकता है वही लिखवाया जाएगा। लिखिए भाई अनुच्छेद 324 से लिखवाना है तब अगला चैप्टर उठा लो। लिखिए आर्टिकल, लिखिए इधर आकर आगे बैठिए, लिखिए भाई अनुच्छेद 324। ये डायरेक्ट हेडिंग जो है आईएएस में कई बार पूछा गया है, इसको रट्टा मारना है और कोई कहा नहीं हेडिंग अनुच्छेद भाई पूछा है आईएएस में भी पीसीएस में भी। लिखिए अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के, आपका तेजी लाइए, निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का, निर्वाचनों के अधीक्षण यानी कि सुपरविजन करना, अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग में निहित होना, निहित होना का मतलब कि वेस्टेड होना, वेस्टेड होने का मतलब अंतर्निहित होना, अंतर्निहित होना माने इनहेरेंट होना यानी कि समाहित होना। याद रखिए किसमें समाहित है सब, निर्वाचन आयोग, इस अनुच्छेद में 324 डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया। लिखिए खंड वाइज, लिखिए भाई पहला खंड लिखिए संसद मैंने लोकसभा राज्यसभा संसद, लिखिए पहला खंड में लिखिएगा वन संसद राज विधानमंडल कामा देखकर लिखिएगा राज विधानमंडल राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करना, के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा चुनाव कराना, तथा चुनाव कराना एक आयोग में निहित होगा, इधर बैठे आप एक आयोग में निहित होगा, एक आयोग में निहित होगा जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। इधर आकर बैठे जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 324 वन में। यहाँ से भी बताया गया था क्वेश्चन बनाया कि भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव नहीं करा था, तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका का नहीं। फिर एक बार मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करा दिया, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का, और दो और बचे कौन कौन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन्हीं का चुनाव केवल कौन कराता है, निर्वाचन अन्य चुनाव नहीं कराता, ये दिमाग बैठा रहेगा, पूछा गया जीएस में। खंड दो लिखिए भाई, खंड दो लिखिए निर्वाचन आयोग का गठन, हेडिंग डाल लीजिए आजकल खंड वाइज पूछ रहा है ज्यादा, निर्वाचन आयोग का गठन, तो निर्वाचन आयोग का गठन हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे
अन्य इधर बैठ के इधर आते और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए निर्धारित किया जाए। लेकिन संसद कानून बनाया है तो उसके अधीन रहते हुए बाहर नहीं, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा अवधारित या निर्धारित किया जाए, ये पहला नहीं। देखिए आपका शुरुआती दौर में निर्वाचन आयोग बताया गया था एक सदस्य था, बाद में तीन सदस्य बनाया गया और वर्तमान में पूछे तो कितनी सदस्य हैं, तीन, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त। इसी को आपका लिखे भाई, लिखे 1989 के पूर्व, दो तीन लाइन अलग लिखे, खंड दो में अलग से लिखवाया जा रहा, बैरेट में नहीं है। 1989 यानी कि 1989 के पूर्व तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्य था। कभी काल पूछा जाता है कि तीन सदस्य कब किया गया, वही लिखवाया जा रहा है। लिखिए 1989 के पूर्व निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, तो कौन था, केवल मुख्य निर्वाचन आयोग। अब रखते रहिए, दोबारा भी बताया जा रहा है, एक बार बताया जा चुका है। लिखिए लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को 1989 डेट याद रखिए, 16 अक्टूबर 1989 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके इसे तीन सदस्य बना दिया गया। अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद भी लिखवा दिया गया है, इस अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया गया, इसे तीन सदस्य बना दिया गया, लेकिन यह अध्यादेश संसद द्वारा पास नहीं हो पाया तो लैप्स कर गया। लैप्स यानी कि व्यापगत हो गया, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, समाप्त हो गया, लैप्स कर गया यानी कि व्यापगत हो गया। लिखिए लिखिए भाई 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को इसे तीन सदस्य बनाया गया, क्योंकि पुराना अध्यादेश क्या हो गया था, समाप्त बनाया गया। इसको चुनौती मैंने इस कानून को चुनौती भाई, जो जिसका हक मारा जाएगा वही तो देगा, तो कौन था मुख्य न्यायाधीश निर्वाचन आयोग, पीएन से इसको चुनौती तत्कालीन मुख्य
आशीर्वाद इधर बैठे आराम से, इधर बैठे जगह बैठे कोशिश करिएगा। इसको चुनौती तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन सेशन ने इधर बैठे भाई इधर आकर बैठे उधर मीडिया रखना इधर थोड़ा आप लोग आगे आ जाए आप लोग आगे आ जाए बरसाती में डर सकती इधर आ जाए आप लोग आराम से इधर आ जाए जगह इधर खाली है इधर आ जाए आगे इसको चुनौती तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन सेशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी। मैंने सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ने दी में दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को सही माना यानी कि वैध माना। देखिए इसी में भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को वैध माना यानी कि पांच जजों की पीठ बैठी और पांच जजों ने इस व्यवस्था को क्या माना सही। तब से निर्वाचन आयोग कितना सदस्य है तीन, बस ये जान लेना और आगे नहीं। अगला लिखे भाई आपका अनुच्छेद 324 का क्लास तीन, इधर क्लास वाइज पूछा जाना। लिखिए अनुच्छेद 324 का क्लास तीन लिखिए, क्लास तीन में 324 का क्लास तीन लिखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में काम करेगा भाई तीन हो गए तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो सभी लोग जानते हैं जो मुख्य होगा। बस एक लाइन लिखना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। लिखे आपका खंड चार, खंड चार में लिखे चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, बस एक लाइन लिखना है चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है। चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है। आई आपका खंड पांच महत्वपूर्ण है, यहीं से फिर क्वेश्चन अटैक करता है। लिखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गलत न होइए, पांचवा खंड अति महत्वपूर्ण है, मैं फिर बता दूं। लिखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उन्हीं आधारों और उसी रीति से, दोनों मैं लिखा रहा हूँ आपका बेस भी और मेथड भी, उन्हीं आधारों और उन्हीं रीति से उसी रीति से हटाया जा सकेगा जिन आधारों पर तथा जिस रीति से, दोनों लिखना है जिन आधारों पर तथा जिस रीति से भारत के उच्चतम न्यायालय के आगे बढ़ते भारत के उच्चतम न्यायालय के
किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये चांस ज्यादा रहता है क्वेश्चन बनने का, अंडरलाइन करिए। तो आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का कल बताया गया था। दो ही आधार है, साबित कदाचार और असमर्थ। और कौन हटा सकती है प्रस्ताव?